चक्रा है, ओके, तो जो क्राउन चक्रा होता है वो हमारी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जो ये कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा होता है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? हमारे ईगो को, हमारा वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है हमारे आसपास की जो चीजें होती है, और एक स्पिरिचुअल लेवल होता है जो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होता है, या यूं कहें हम यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो आप यूनिवर्स से कब कनेक्ट हो सकते हो? जब आपका ईगो खत्म होगा, है ना, मैं, जब आपका मैं खत्म हो जाता है तब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते, राइट। तो इसको एक्टिवेट करना है तो अपना मैं खत्म करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है बट हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। उसके बाद जो मैं थर्ड आई की बात कर रही हूँ, ये हमारी इनसाइट्स हैं, जो लोगों को कहते हैं ना, हमें इंट्यूशंस हो जाती हैं, हमें पहले से पता चल जाता है, इंट्यूटिव होते हैं कुछ लोग, फिर कुछ चीजें समझ आती हैं, आपकी मेमोरी होती है, क्योंकि इसी के पीछे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, बिल्कुल इसके पीछे, तो वही एक्टिवेट, सारे काम वही होते हैं हमारे, है ना, मेमोरी हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे आप सही सोच हो, सब कुछ यहाँ। तो इसको हम इनसाइट्स के ऊपर काम बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा को। ये हमारे इल्यूजन्स जितने भी है ना, कि हम ये मेरा घर, ये मेरी बॉडी, ये मेरा मेरा मेरा, जितना भी इल्यूजन है, ये सब यही से पैदा होता है। अब आती है सच्चाई। सच्चाई कहाँ से निकलती है? थ्रोट चक्रा से। हम क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द यूज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ से शब्द निकलते हैं, यहाँ वर्ड्स फॉर्मेशन होती है हमारी, है ना। कहते हैं ना, जीभ पे कंट्रोल रखो, आपकी आवाज, आप देखो, आप जब मेडिटेशन करते हो तो कितना सॉफ्टली बात करते हो, जब किसी को गुस्सा करते हो तो कैसी आवाज निकलती है, जब आप गुस्सा कर रहे हो तो ये भी खराब है, ये भी खराब है, बाकी के नीचे के सारे चक्रा खराब पड़े, है ना। तो ये इफेक्ट हो गया। इसका कलर होता है लाइट ब्लू, दिस इज द थ्रोट चक्रा, ठीक है। जो स्काई ब्लू कलर होता है ना, एग्जैक्ट स्काई ब्लू कलर इसका होता है, सच्चाई का, ओके। इसके बाद आता है आपका हार्ट चक्रा, दैट इज ग्रीन। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब बारिश होती है ना तो पेड़ों को देख के कैसी फीलिंग आती है आपको, बताएं बताएं, जब बारिश होती है सारे पेड़ धुले धुले होते हैं तो कैसा लगता है? पेड़ भी खुश और हम भी खुश, खुश है ना, इसीलिए हार्ट चक्र का कलर ही ग्रीन है। जब आप खुश होते हो ना तो आपको हरा भरा लगता है, कितना कनेक्टिविटी आप देखिए, ठीक है। तो हमारे हार्ट चक्र का कलर भी इसीलिए ग्रीन है। कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया, मतलब आप बहुत खुश हो, सो दैट इज ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पर आता है हमारा प्यार, हमारा दुख, हमारी तकलीफ है। जब दुख और तकलीफें हट जाएंगी तो आप प्यार ही प्यार होगा, और प्यार ही प्यार होगा तो खुशी रहेगी, ठीक है। अब आता है सोलर प्लेक्सस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है, दैट इज द येलो कलर। आग किस रंग की होती? पीली दिखती है ना, उसमें थोड़ा ऑरेंज कलर होता है, बट बेसिक जो आग का कलर होता है, फायर का कलर, दैट इज येलो, है ना। आप लोगों ने सुना ही होगा, जठर अग्नि, पेट की आग, सोलर प्लेक्सस उसको रिप्रेजेंट करता है। वो विल पावर है आपकी। आप अच्छा एक बात बताएं, बहुत कई दिनों तक किसी ने खाना नहीं खाया होगा तो उसमें शक्ति होगी जरा सी भी किसी भी चीज को समझने की, सोचने की? तो जब वहां आग ज्वलित रहती है तब आपकी विल पावर भी स्ट्रांग रहती है। बिजनेस में आग की जरूरत है, आपकी विल पावर स्ट्रांग की, स्ट्रांगनेस की जरूरत है। आपको सेल्स करने जाना है कहीं, आपके अंदर आग ही नहीं है, ठंडे पड़े हैं, क्या किसी को समझाओगे? वो फायर होनी चाहिए, और वो फायर हमें कहां से मिलती है? हमारे सोलर प्लेक्सस से। इसलिए इसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ये डिप्लीट कब होता है? जब शेम आ जाती है। शेम का मतलब है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ शेम का मतलब कॉन्फिडेंस से है, ओके? जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है वो कम नहीं है, या तो आप मतलब चलिए एक बात बताएं, आपको पार्टी में जाना है और सुबह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बार बार बाथरूम भाग रहे हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा पार्टी में जाने का?
और जबकि पता है वो बिजनेस पार्टी है, नहीं तो विल पावर कहाँ गया, जीरो, खत्म। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है सबसे पहली चीज, दूसरा आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। सोलर प्लेक्सिस के भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर हमारा सिर्फ सोलर प्लेक्सिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप देखेंगे लोग एकदम आगे बढ़ जाते हैं और उनको हर चीज मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं आती हूँ आपके सेक्रल चक्र पर, जो नीचे की तरफ होता है। सोलर प्लेक्सिस हमारे नाभि चक्र के ऊपर होता है और सेक्रल चक्र नाभि के नीचे होता है, ठीक है। वो पोजिशनिंग मैं आपको बाद में बता दूंगी, एग्जैक्ट पोजिशनिंग, ठीक है। तो जो ये सेक्रल चक्र है वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। और दिस रिप्रेजेंट्स आर प्लेजर्स, प्लेजर्स एज इन आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसको रिप्रेजेंट के इसके अंदर आते हैं, जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, किडनी क्या करती है, फिल्टर ही करती है ना, लिक्विड आपकी बॉडी का फिल्टर करके इट एक्सक्रीट्स, राइट। तो ये जितने भी चीजें हैं, वो जितना भी नीचे का पोर्शन है आपका नाभि के नीचे का, वो सारा सेक्रल चक्र रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में या रिप्रोडक्शन में या इन चीजों में, तो या तो वो ओवर एक्टिव होता है या पूरा डिप्लीटेड होता है, तो वहां पर भी काम किया जाता है। सेकेंड लास्ट आता है हमारा रूट चक्र, रेड कलर, जहां आप बैठे हो ना, जहां आपकी सीट है वो वहां होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहां बैठ रहे हो। देखिए हर चीज का एक मतलब है, आप कहां बैठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, ये आपका सर्वाइवल है, ठीक है। तो रूट चक्र रिप्रेजेंट करता है आपके सर्वाइवल को, उसमें आपके फाइनेंसेस भी आते हैं, ऑब्वियसली आपकी लग्जरी भी आती है, आप किस तरह से जीना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, वो सब आ जाता है उसमें। लेकिन ये डिप्लीट होता है जब आपके मन में डर आता है, अरे मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये मेरे से होगा या नहीं, वो जो डर होता है ना वो इसको खत्म कर देता है, आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता, इसलिए आप तक चीजें नहीं आती। इसको कहते हैं हम कि ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट करना। तो सबसे पहला ब्लॉकेज हम बाकी और कहीं से नहीं, यहीं से क्रिएट करते हैं, रूट चक्र से, ओके। तो जो हम इसमें एक्सरसाइजेस करवाते हैं लामा फेरा में, मेडिटेशंस में, जब हम कोई भी ऑरा चक्र या किसी भी तरह की कोई भी मोडेलिटी होती है तो उसमें हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, ताकि वो जो चक्रास में भी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आपकी नसों नाड़ियों में जो ब्लड फ्लो होता है वो भी एनर्जीज के थ्रू होता है, ठीक है। अब आप खुद सोच के बताएं, हम खड़े ऐसे हैं, ग्रेविटी सबको पता है, ग्रेविटी क्या करती है, चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, ये बात तो एक नॉर्मल है, फिजिक्स में सबने पढ़ लिया है ना। अब जब वो नीचे की तरफ खींचती है तो चलो ये बात तो प्रूव होती है कि हार्ट से जो ब्लड जा रहा है वो नीचे की तरफ खिंच रहा होगा, चलो ऊपर की तरफ कैसे जाता है, वो तो एंटी एनर्जी ग्रेविटी हो गया ना, हम तो खड़े हैं। सो ये सब चीजें हैं, लेकिन एनर्जी भी होती है कुछ, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो करती है, और जब एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो करती है तो सारे रास्ते हमारे खुलते चले जाते हैं। हाँ, जब ये एनर्जी फ्लो करना कहीं पर बंद कर देती है, वहां पर ब्लॉकेज होता है, और जब ये ब्लॉकेज होता है तो आपका ऑरा, ये जो बीच में दिख रहा है, इस जैसा हो जाता है। कैन यू रिलेट एवरीथिंग नाउ, किस तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है, क्या होता है हमारे साथ। अब इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमारे पास हीलिंग मोडेलिटीज होती है, जिसमें से एक लामा फेरा है। बहुत लोग रेकी भी जानते होंगे, बहुत लोग हुंकारा भी जानते होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी है, बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी मोडेलिटीज हैं। तो हर मोडेलिटी में एनर्जी वर्क होता है। अब ये आपका जो सेंस होता है वो कैसे किस चीज को एकदम एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपके इंडिविजुअल इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है।